एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग एकदम दिन से, और मैं आपको रेडी दिख रही होंगी क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं टीनू के मेकअप की शॉपिंग के लिए, और मैं अभी अपना जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है वो भी लगवाने वाली हूँ। तो लगवा लूँगी और उसके बाद फिर जाएंगे और मैं एक टैबलेट खा लूँगी, बिकॉज सेकेंड वाले डोज में मोस्टली लोगों को कुछ नहीं हुआ है, लेट्स सी। तो मैंने तो अभी मतलब उसके बाद हम लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहे हैं, एक आध घंटे के लिए ही जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो उसकी शादी के लिए उसको एकदम बेसिक वैसे हमको कल लेना था बट कल हो नहीं पाया है, हम लोगों की बाकी शॉपिंग में हम लोग काफ़ी लेट हो गए। तो टीनू ने अपनी जो शादी का लहंगा है वो सिलेक्ट कर लिया, मतलब परचेज ही कर लिया है, अब वो रेडी वेडी होता है ना वो सब होना है। उसका दुपट्टा हम लोग लेकिन थोड़ा चेंज करवाने वाले हैं, तो लेट्स सी। टीनू का जो मेकअप है वो करने वाली है आशिमा, आई थिंक आशिमा दत्ता मेकओवर्स, आपने नाम सुना होगा, भोपाल की काफ़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। तो शी इज़ हर क्लासमेट, इसकी स्कूलमेट है वो, तो वही इसका मेकअप करने वाली है, और थोड़ी बहुत हेयर स्टाइलिंग वगैरह शायद से शादी के टाइम पे मैं ही करवा लूँगी, बाकी मेकअप तो मैं खुद ही करूँगी। तो यस, एंड निकलते हैं फटाफट से, रेडी हो गई हूँ मैं। तो आज आपको लेके चलती हूँ अपना वैक्सीन लगवाने के लिए, उसके बाद शॉपिंग करेंगे और देखते हैं फिर ये व्लॉग कैसा, कहाँ तक, कितना लंबा होता है। तो या लेट्स गो। गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, आज मेकअप शॉपिंग करके आएंगे। ओके गाइस, तो वैक्सीन लग गई है, मास्क नहीं पहने हैं एक भी, वैक्सीन लगाने वाले, मजाक चल रहा है भोपाल में तो। अरे भाई रुक जा, तू सर फोड़ देगा क्या। ओके गाइस, तो वैक्सीन लग गई है, पलक झपकते से वैक्सीन लगवा दी भाई यहाँ पे, तो मतलब मजाक हो गया है, मतलब भोपाल में बाप रे बाप, वो जो वैक्सीन लगा रहे एक मास्क नहीं पहना था, ठीक है, और उसके बाद कॉमेडी हो रही थी हम लोगों की यहाँ पे। तो वैक्सीन लग गई है, अब हम निकलते हैं, और अगर तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना तो फिर उनको कॉल करना। हाँ कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सालो रजिस्टर तो करते नहीं। मैं कॉल ही करूँगी, मैं कल आऊँगी फिर वापस, शाम तक मैसेज नहीं है ना। हाँ तो फिर वापस आएंगे कि भाई हमारे इसमें दिखाओ कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड है। वही तो, और शादी में तो बनता है। तो भाई अब हम आए फुटवेयर शॉपिंग करने के लिए। ये अच्छा लग रहा है टीनू, देखो कम लोग शॉपिंग करने आए थे क्या, और कर लिया है क्या, क्या कर लिया टीनू, क्या कर लिया शॉपिंग, पैसे। अच्छा लग रहा है टीनू, ये भी नहीं आ रहा, तू उसका चेक कर ले एक बार। नहीं काय पे पहनेगी ये हम लोगों का नायका का बिल है जो खत्म नहीं हो रहा है। नायका का बिल तो सच में यार नाइस। तू लहंगे साड़ी सब पे चल जाएगी, साड़ी सूट लहंगा। हाँ क्या रेंज है इसका, कुछ भाई फेस्टिव ऑफ आता है हर बार। ओके गाइस, सो वी आर सिटिंग हियर, और मैं देखिए मुझे फुटवेयर निकाल करके बैठी हुई हूँ मैं आराम से एकदम। तो हम लोगों का जो फुटवेयर है वो डन हो चुका है। तीनों तुम्हें कैसा लग रहा है फुटवेयर लेके, महंगा। हम लोग जा रहे हैं एग्जीबिशन में, तीनों के एक्स नेबर्स हैं तो उनके पास जा रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है। माय गॉड, तो गाइस ये सब आप जो देख रहे हैं ये लाइव भोपाल है, ये भोपाल की फोटोज है। हाँ माय गॉड बहुत सुंदर है, और ये रहे भोपाल। अब मैं बता दी हूँ, इधर जो दिशु भैया इनके बड़े बेटे हैं वो रहे बेटा, ये उनका बेटा के फोटो है। अब के बाद रिटायरमेंट के बाद इनने ये काम पिक किया है, क्योंकि इससे पहले इसमें काम करते थे, गाय में एम आर थे मेडिकल में, तो उनको कभी टाइम नहीं मिल पाया, एंड देन फाइनली अंकल का इंटरव्यू तूने दे दिया। Hi guys.
गाइस, तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या एग्जैक्टली लिया है, वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फुटवेयर में बता देती हूँ। सबसे पहले तो फुटवेयर बताती हूँ कि इसने जो फुटवेयर पसंद करे हैं वो कैसे हैं। तो फिर इसको बहुत सटल, सोबर और वैसे चाहिए थे, मतलब बहुत तड़क भड़क वाले नहीं चाहिए थे ताकि ये बाद में भी पहन पाए। फुटवेयर लिए हैं, काफ़ी प्यारे से प्यारा सा पीस है, हर तरह के यू नो सूट्स एंड इन सब में चल जाएगा इसको। बाद में भी अगर जैसे साड़ी वगैरह पे पहनना रहेगा तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये उसने एक फुटवेयर परचेस किया है। तो सबसे पहले तो उसने लिया है ये O3 का D10 पैक, ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग के लिए। दिस इज़ द पैक एंड ये लिटरली मैंने उसको बहुत रेकमेंड किया था कि ये ले ले, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि वो ना ऐसे जो फेशियल्स होते हैं जो पार्लर्स में कराते हैं वो कुछ नहीं ऐसा प्री ब्राइडल वगैरह ले रही है, तो मैंने बोला कुछ तो ऐसे ग्लो के लिए चाहिए ना, जैसे बाद में भी उसको कहीं जाना वाना होगा एंड शी वॉन्ट इंस्टेंट ग्लो। तो इस तरह का ये पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो एक तो ये लिया है। उसके बाद उसने कॉम्पैक्ट लिया है, बिकॉज भोपाल में ना मैक अवेलेबल नहीं था। मैंने उसको स्टूडियो फिक्स का ही बोला था कि वो ही ले ले, वो कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, ये फाउंडेशन वगैरह लगाती नहीं है। तो मैंने बोला था कि फाउंडेशन का भी तेरा काम हो जाएगा एटलीस्ट, बट वो अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। तो अभी एक बेसिक सा कॉम्पैक्ट चाहिए था, तो उसने ये के ब्यूटी का लिया है। दिस इज इन द शेड, क्या शेड है ये, मीडियम 130N। मैं के ब्यूटी के कोई प्रोडक्ट्स ना तो यूज़ करती हूँ ना रेकमेंड करती हूँ, बट वहाँ पर जब उसने ट्राई करके देखा तो उसको ये पसंद आया, तो उसने ये के ब्यूटी लिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, उसने ये नायका का मैट टू लास्ट पोकर फेस, नहीं ये तो हमको फ्री आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है उसने ये लिया है मिलानी का प्राइम, दिस प्राइम लाइट फेस प्राइमर। तो एक्चुअली क्या हो रहा था ना, उसको जब फेस पे कॉम्पैक्ट वगैरह सब लगा दिया तो था, मतलब थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए स्ट्रोक क्रीम की तरह प्राइमर है ये। मतलब आप जब लगाओगे तो थोड़ा सा ग्लो आपके फेस में आ जाएगा, और उसके ऊपर आप जब कॉम्पैक्ट लगाते हो तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रोक क्रीम ली है जो कि प्राइमर की तरह भी काम करेगा और स्ट्रोक क्रीम की तरह भी काम करेगा। उसके बाद हम दोनों ने ही ये अंडर आई जो वो होती है, अंडर आई क्रीम होती है, हमने O3 की ली है, क्योंकि वहाँ पर हमको बोला गया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अंडर आई क्रीम है। तो लेट्स सी ट्राई करके, जैसे उसने बोला है बहुत इफेक्टिव है, तो टीनू बोलती है एक मैं भी लूँगी, मैंने बोला एक मैं भी लूँगी, तो हम दोनों ने ही लिया है। दिस इज़ अ O3 अंडर आई सर्कल क्रीम। इफेक्ट बताऊँगी इसका यूज़ करने के बाद कि कैसा लगेगा, मैं बिल्कुल डे नाइट सब टाइम यूज़ करूँगी, देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसने ये फेस शॉप के 10 मास्क लिए हैं, उसको मतलब मैं तो मुझे नहीं पता ये मैंने यूज़ नहीं करे ये वाले जो स्पेशली ये लिए हैं। शी ऑलरेडी यूज्ड इट एंड शी लव्ड इट, वो बोलती है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, स्किन ग्लो करती है उसकी। तो उसने ये 10 लिए हैं। और ये कौन कौन से लिए हैं, पोटैटो वाले, एलोवेरा वाला, रियल नेचर फेस शॉप का मास्क है, तो ये 5 के साथ 5। उसके बाद उसने एक ये जेड रोलर लिया है नायका का, और मैंने जेड रोलर कभी यूज़ नहीं किया है पर उसको ये लेना था तो ये उसने लिया। ये मेरा रेकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने एक लिया है ये कंसीलर अंडर आइज़ के लिए उसके, तो ये हम लोगों ने कलर चूज़ किया है वॉर्म हनी। उसके बाद ये लिया है हम लोगों ने लिपस्टिक, ये स्कारलेट ओहारा है, बहुत ही प्यारा शेड है। इसके पास एक तो मरून कलर है और दूसरा न्यूट कलर है। मैंने उसको बोला भाई एक तो ब्राइडल कलर ले ले, रेड कलर तो ले ले, तो रेड कलर में स्कारलेट ओहारा से बेस्ट कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है अगर आपके पास है ना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है नायका का पोकर फेस। ये क्या है, ये एक्चुअली हमको फ्री आया है, तो मैंने इसको बोला क्योंकि आई शेडो नहीं परचेस कर रही है, तो इन केस अगर इसको कहीं जाना है थोड़ा बहुत आई शेडो ग्लिटरी वाला लगाना है, टैलिक लिपस्टिक है, इसको ये यहाँ पर लगा सकती है एंड दिस विल वर्क एज अ आई शेडो की तरह वर्क करेगा ये। तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट ये मैंने मंगवाया फॉरेस्ट एसेंशियल का डेलिकेट फेस क्लेंजर। दिस इज एन अमेजिंग क्लेंजर। इसका मैंने वो यूज़ किया है जो टेस्टर पैक होता है ना, मैंने वो यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने ये बड़ा बॉटल मैंने लिया है। तो ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का क्लेंजर, मैं उसको ओपन भी करती हूँ। दिस इज द क्लेंजर बॉटल, ये कुछ ऐसा दिखता है। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है वो है 39.5, और ये चलता काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आराम से ये चलता है 3-4 मंथ्स, तो वर्थ इट है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो ये हम लोगों ने एडवांस संजीवनी ब्यूटी एलेक्सर लिया हुआ है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, 3975 का था, बट
जब इसका हम लोगों ने हाथ पे जो होता है ना थोड़ा सा टेस्टर लगा करके देखा था, ओ माय गॉड, मतलब ये इतना अमेजिंग, मतलब वो जो टेक्सचर था हमारे स्किन पे, जो हल्की सी शीन इफेक्ट थी, वो अभी तक प्रेजेंट है। टीनू को कुछ ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए था जो उसके स्किन का, जो उसकी स्किन इज ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, सो शी वॉन्ट समथिंग जो दिन भर लगाने के लिए कुछ अच्छा सा मॉइस्चराइजर हो ताकि उसकी स्किन अच्छी लगे, तो ये उसने लिया है। तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, आपकी स्किन लिटरली बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो उसने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड टेंडर कोकोनट वाटर विद टर्मरिक एंड बेसिल लीफ। आई थिंक मैंने इसको अपने वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है ये, एंड ये हम लोगों ने लिया है। अगेन उसने उसके लिए लिया है, सनस्क्रीन है ये। यूजुअली जो मार्केट में सनस्क्रीन मिलते हैं ना उनमें बहुत केमिकल्स होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो हमको एक तरह से स्किन में हमारा, हमको सन से तो प्रोटेक्ट कर रहा है बट एट दी अदर साइड वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज भी कर रहे होते हैं। तो मुझे ये, आई स्वेयर बाय दिस सनस्क्रीन, मतलब मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ में हम लोगों को एक ये डेलिकेट फेस क्लेंजर है, छोटा वाला जो क्लेंजर होता है ना, यही बॉटल आई थिंक 375 या 385 कुछ की आती है। उसके साथ हम लोगों को दो अगेन ये सौंदर्य रेडियंस क्रीम के वो मिले हैं टेस्टर्स, ताकि यू नो हम इसको लगा के देख सकें। तो एक टीनू यूज़ करेगी, एक मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो लिया जाएगा। एंड उसके साथ में हम लोगों को ये अल्ट्रा रिच बॉडी मिल्क के वो मिले हैं। तो यही थी आज की हमारी शॉपिंग हुई है, मैं वापस उसको दे करके आती हूँ, मैं ब्लॉग बनाने के लिए लेकर के आई थी। एक्चुअली उसके ऑफिस का काम है, अदरवाइज वो खुद बैठती और फिर बताती क्यों क्या लिया है उसने। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से कल के बाद डायरेक्टली आज मिल रही हूँ। सो माई बैटरी इज़ लिटिल डाउन बिकॉज ऑफ जो वैक्सीनेशन मैंने लगवाया है। मुझे फीवर तो नहीं आया है, एक्चुअली मैंने रात में दवाई लेके सोई हूँ आराम से, हेडेक वाली, तो उसमें पैरासीटामोल भी थोड़ा सा मिला हुआ था एंड पेन किलर भी था। तो मुझे एसिड बहुत फीवर नहीं आया है, 98.6 टेम्परेचर, बट मेरे को बहुत बॉडी पेन हो रहा है और मेरा हेडेक हो रहा है। तो वो मुझे हो रहा है, मतलब मैं दिन भर से ऐसी एकदम लेजी लेजी सी पड़ी हुई हूँ, बस खाने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ। और अब भी जस्ट टीनू निकली है, बिक्की उसको छोड़ने गया है एयरपोर्ट, तो वो अपने फ्रेंड की, मतलब इनका जो क्लोज सर्कल है जिसमें आई थिंक 8-9 लोग हैं, हाँ 8-9 लोग हैं, तो उसमें से एक की शादी है, तो इनका पूरा ग्रुप वहाँ जा रहा है। तो टीनू भी ऑब्वियसली, और वो सारे फ्रेंड्स भी जो हैं वो टीनू की शादी के लिए सबकी बुकिंग्स वुकिंग्स फ्लाइट टिकट सब बुक हो चुकी है। तो वो लोग सब इतने मस्त हैं, मतलब जो मस्ती करवाने वाली पब्लिक आएगी ना वो यही, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत मस्ती करता है, तो ये लोग सब बहुत मस्ती करते हैं। तो वो लोग भी आएंगे शादी में, तो मैं मिलवाऊंगी आप लोगों से। दो तीन को तो आपने देखा होगा बिकॉज उसमें से तीन लड़कियाँ इसकी रूममेट्स थी, पुराने जब मेरे व्लॉग्स होंगे ना उसमें आपने उन लोगों को देखा ज़रूर होगा। तो वही है, एंड आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और टीनू की जो मोस्टली शॉपिंग है, उसका लहंगा आ गया, उसका संगीत का ड्रेस फाइनल हो गया है, अब बचा है उसका जो मेन फेरे हैं उसमें, उसका हम लोगों को उसके लिए ड्रेस लेना है। और बाकी हल्दी वल्दी बेसिक्स के लिए तो उसने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है कि उसको कुछ भी नहीं लेना है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगी जो उसके पास कुर्ते वुरते हैं उसमें से। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड बात करते थे, जैसे आकांक्षा, हम लोगों की शादी हो गई थी 25 की एज में। अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि फाइनेंशियली और जो भी, जैसे शी इज़ गेटिंग मैरिड एट दिस एज, जो मेरी एज है अभी, तो शी इज़ द मोस्ट सॉर्टेड ब्राइड आई हैव एवर सीन। मैंने इतनी शादियाँ अटेंड करी अपनी कजिन्स की, बहुत बड़ी फैमिली हम लोगों की भी, मेरे कजिन्स की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे, मतलब कितने शादियाँ अटेंड करी है ना बचपन से लेके आज तक, बट शी इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल ब्राइड। इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। इवन जब मैं मेरी फ्रेंड को भी बता रही थी ना, मतलब मैं बातें करती हूँ आकांक्षा वगैरह से, फाइनेंशियली वो जितने अच्छे डिसीजंस ले रही है वो बहुत ही, वो लेने को ना पता है वो, मतलब शी इज़ फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, तो शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन बाय एनीथिंग, बट शी इज़ टेकिंग ग्रेट डिसीजंस, बहुत प्रैक्टिकल। तो मैं किसी दिन ना उसको बैठ करके वीडियो में क्वेश्चन आंसर राउंड ज़रूर करूँगी शादी के पहले का, ताकि इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड ना, डोंट मेक द मिस्टेक्स विच आई हैड। मतलब मैं और आकांक्षा यही बोल रहे थे कि हम लोग तो इतने पगले थे यार, इतने पागल थे जस्ट बिकॉज ऑफ जो चलता है सोसाइटी में शो ऑफ वाला कल्चर, कि अरे नहीं नहीं हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास, हम उसमें रह गए और उसमें हमने लिटरली कुछ नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा किया है। तो वो शी इज़ ऑब्वियसली नॉट डूइंग इट, एंड सब बोल रहे हैं उसको, पुश कर रहे, तू ये कर वो कर, बट शी इज़ टेकिंग डिसीजंस वेरी प्रैक्टिकली। तो बस यही था, एंड आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, संगीत के गाने वाने भी फिक्स करना है मुझे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मैं बहुत ही ऐसी हालत में बिकॉज मेरे से सोने का मन कर रहा है। तो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।